वाली बात है, जो ये बार बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला कर रहे हैं, कोर्ट ने जो भी कहा हो, बट एक चीज स्पष्ट है कि कोर्ट जिस मुद्दे पे पहुंच पाया, चूंकि एक ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया गया था, उसकी वजह से पहुंच पाया। और वो जांच का विषय है, जांच लगातार जारी है। देश में इलेक्शन जब से देश आजाद हुआ तब से होते रहे हैं और कांग्रेस इसकी प्रमुख भूमिका में रही है। क्या कारण है कि 14 तक कोई ऐसा सिस्टम ये नहीं बना पाए कि चुनाव में जो चंदा मिलता है वो ट्रांसपेरेंट हो, पैसा किसने दिया, क्या दिया, इनको बोलने का मौका इस वजह से मिल रहा है कि एक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है। और उसमें बहुत हद तक ये जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने ट्रांसपेरेंसी तो आपने लाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो तरीका गलत था, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बोला कि नहीं ये असंवैधानिक है। नहीं, असंवैधानिक है, उसमें उनका एक अपना कंसर्न है कि भी डेटा को आप ओपन करिए। डेटा ओपन करने का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि जो चंदा देना चाहता है, चूंकि जो व्यापारी है उसको मालूम है कि हर आदमी को दे रहा है, और उसमें लेयर बनाया गया। कई जगह पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं है, जेडीयू ने कहा कि किसने हमें चंदा दिया हमें नहीं पता है। तो एक सिस्टम बनाया गया है कि किसने बॉन्ड परचेज किया, किसने उसको डोनेट किया, और वो सारी चीजें स्पष्ट है। लेकिन उसका एक ट्रेल मिल रहा है, एक आपको चीजें पता चल रही है, और वो नंबर वन अकाउंट में पैसा आ रहा है, सबसे बड़ी बात है। आज भाजपा पैसा खर्च कर रही है, आपके पास इसके पहले आप चुनाव लड़ते थे कोई व्यवस्था नहीं थी, आप चीजों को स्पष्ट नहीं करते थे। जो एक व्यवस्था है ब्लैक मनी को रूल आउट करने का, जो माननीय मोदी जी ने काम किया हो, चाहे नोटबंदी से लेके अभी तक, सब व्यवस्था स्पष्ट है। आज स्थिति एक लाइन कंप्लीट कर दो, आज स्थिति यह है कि हमारी जो रिजर्व है आरबीआई का, वो पाकिस्तान के जीडीपी से 2.5 गुना हो गया है। सर, पाकिस्तान से तुलना की आवश्यकता ही नहीं, पाकिस्तान कहां ठहरता है उससे तुलना भी, एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि इनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है कांग्रेस को।